श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल 2019 के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं, जो 7 मार्च 2019 को जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। सरकार का यह कदम पूर्णतया स्वागत योग्य है, क्योंकि इसके माध्यम से विवेकानंद तिवारी केस में 2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जिस निर्णय के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आरक्षित वर्गों के पदों में कटौती हुई थी, उसमें पुनः सुधार होगा, क्योंकि इस बिल के माध्यम से जो पूर्ववर्ती 200 पॉइंट रोस्टर की व्यवस्था पहले चलती थी वो पुनः बहाल होगी, और इसके माध्यम से जो हमारे 7000 रिक्त पद हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और देश भर के जो भी प्रतिभावान SC ST और OBC वर्ग के और EWS सेक्शन के लोग हैं उन सभी को इसके माध्यम से नए अवसर प्राप्त होंगे। सभापति महोदय, हम सब अवगत हैं कि हमारी 200 पॉइंट की रोस्टर व्यवस्था 1997 से कायम है, और 2006 में HRD मंत्रालय ने जो UGC को निर्देश दिए वो यही थे कि 1997 का जो हमारा 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है उसके आधार पर ही आरक्षण नीति को लागू करना है। सारी समस्या तब उत्पन्न हुई जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2017 के अंदर एक निर्णय दिया जिसके अंतर्गत पुरानी 200 पॉइंट रोस्टर व्यवस्था को हटाकर 13 पॉइंट रोस्टर व्यवस्था को कायम करने का निर्णय किया गया, जिसके कारण UGC को भी अपनी गाइडलाइंस में परिवर्तन करना पड़ा, और इन बदलती हुई गाइडलाइंस के अंतर्गत जो आरक्षित वर्गों के पद थे उसमें भीषण कटौती हुई। अभी हमारे माननीय HRD मिनिस्टर साहब ने अपना वक्तव्य रखा और उन्होंने इस बात को बड़े विस्तार से बताया कि कैसे यदि 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम और 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के तहत कुल पदों की संख्या समान होती है, उसके बाद भी जो हमारा 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के सापेक्ष उसकी तुलना में जो आरक्षित वर्गों के पद होते हैं उसमें कटौती हो जाती है। मैं एक उदाहरण के जरिए इसको स्पष्ट करना चाहूंगी। अक्टूबर 2017 में इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ने 37 पदों के लिए एक विज्ञापन जारी किया। इन 37 पदों में 15 पद आरक्षित वर्गों के लिए थे और 22 पद अनारक्षित वर्ग के लिए थे, और ये तब था जब तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 13 पॉइंट रोस्टर को बहाल करने का निर्णय नहीं आया था। लेकिन इस निर्णय के बाद जब अप्रैल 2018 में पुनः इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ने 52 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया तो उसमें 51 पद अनरिजर्व थे, जनरल कैटेगरी के थे, और केवल एक पद रिजर्व कैटेगरी के लिए, आरक्षित पद के लिए था। इससे बात स्पष्ट होती है कि दोनों रोस्टर सिस्टम से किस प्रकार 13 पॉइंट का रोस्टर सिस्टम जो है वो न केवल सामाजिक न्याय की पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक कुठाराघात है, बल्कि एक लंबे समय से जो हमारे SC ST और OBC समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं कि सरकारी पदों में भी उनकी भागीदारी हो, उनको किस प्रकार ये नाउम्मीद करता है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उचित समय पर अध्यादेश लाकर जो हमारे SC ST OBC कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ न्याय किया, उनके अधिकारों की रक्षा की, क्योंकि ये 13 पॉइंट रोस्टर की जो प्रणाली है इसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी पिछड़ी जाति का व्यक्ति केवल चौथी रिक्ति होने पर ही एलिजिबल होगा, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति केवल सातवीं रिक्ति होने पर एलिजिबल होगा, और अगर अनुसूचित जनजाति का है, शेड्यूल ट्राइब का है, तो केवल 14वीं रिक्ति होने पर ही वो इसके लिए एलिजिबल होगा, और जो हमारी विभागवार रोस्टर व्यवस्था है 13 पॉइंट की डिपार्टमेंट वाइज, उस डिपार्टमेंट वाइज व्यवस्था में जो हमारे हमारी जो वैकेंसीज होती है उनकी संख्या इतनी कम होती है सभापति महोदय कि बाय द टाइम कोई SC ST OBC उसके लिए एलिजिबल होगा तो तब तक उसके लिए कोई वैकेंसी ही नहीं बचेगी, यानी उसके लिए कोई नौकरी की संभावनाएं ही शेष नहीं रह जाएंगी। ये बहुत ही गंभीर परिस्थिति है और इसी कारण इसका व्यापक विरोध हुआ। लोग सड़कों पर उतरे, SC ST OBC समाज के लोग सड़कों पर उतरे, और हमारी सरकार ने इस समस्या पर ध्यान भी दिया। लेकिन माननीय मंत्री जी, आप सदन में उपस्थित हैं, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि कितनी विकट स्थिति है आज हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। मैं आपको बताना चाहती हूं कि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पे OBC समाज का एक भी व्यक्ति आज सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में नहीं है। अगर मैं बात करूं हमारे SC ST वर्ग की,
तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर के पद पर केवल 3% अनुसूचित जाति के लोग हैं और केवल 0.7% शेड्यूल ट्राइब के अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। इसी प्रकार एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हमारे अनुसूचित जनजाति के केवल 5% लोग हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर एसटी वर्ग के केवल 1% लोग हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है माननीय मंत्री जी कि दशकों से जारी आरक्षण व्यवस्था के बावजूद जो सरकारी विभागों में हमारे एससी एसटी और ओबीसी की प्रतिनिधित्व होनी चाहिए वो पर्याप्त नहीं है। ये बेहद निराशाजनक है और बहुत ही असहज तस्वीर पेश करती है। मैं ये नहीं कहती कि इन आंकड़ों के लिए आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने अभी अभी इस मंत्रालय का इस अहम मंत्रालय का पद ग्रहण किया है, लेकिन मैं स्वयं पिछड़ी जाति से आती हूँ और इस समाज की पीड़ा को आपके सामने रखना चाहती हूँ और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपके यशस्वी नेतृत्व में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पे जो हमारे एससी एसटी और ओबीसी समुदाय के लोग हैं उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा विषय है माननीय सभापति महोदय। मैं हमारे कांग्रेस के फ्लोर लीडर इस बात को विषय को रख रहे थे, मैं उनसे भी जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने तो एक लंबे समय तक देश के अंदर राज किया, आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? कहीं ना कहीं आज जिन आंकड़ों का मैं जिक्र कर रही हूँ उसके लिए आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने कभी ये प्रयास नहीं किया, ईमानदार प्रयास नहीं किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जो हमारी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो हमारे कमजोर तबके हैं, उनकी टीचिंग फैकल्टी में जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़नी चाहिए। आज देश की स्थितियां ये है कि बैकलॉग की जो वैकेंसीज है उनकी संख्या एससी एसटी ओबीसी बैकलॉग वैकेंसीज की संख्या 28,713 है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये इतना बड़ा आंकड़ा कब हो गया? इतने वर्षों में हो गया और इतने वर्षों में इस आंकड़े को कम करने के लिए सरकार ने कुछ क्यों नहीं किया? ये सवाल तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को जाता है, आपने सबसे ज्यादा समय तक राज किया है, क्यों नहीं इस आंकड़े को कम करने की कोशिश की गई? क्या कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई गई और अगर चलाई गई तो वो कितनी इफेक्टिव थी? क्या उसको ईमानदारी से चलाया गया या वो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव सिर्फ एक औपचारिकता थी एससी एसटी ओबीसी को ठगने के लिए? इसलिए ये बैकलॉग का जो फिगर है 28,713 है। आज देश के प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़ी जाति से आते हैं और इसलिए जो देश का वंचित तबका है उसकी उम्मीदें ज्यादा है, उसे लगता है कि हमारे साथ न्याय होगा। और मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि आपके नेतृत्व में यह संभव हो, हमारा प्रतिनिधित्व बढ़े, कमजोर वर्गों की आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक दशा को सुधारने के लिए अभी भी और ठोस और ईमानदार प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे मेरी सरकार से पूरी उम्मीद है। मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से पुनः सरकार का अभिनंदन करती हूँ, माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ, लेकिन जरूर कहना चाहूंगी अंत में कि हाशिए पर पड़े हुए समाज को सही मायनों में न्याय दिलाने के लिए अभी मीलों लंबा सफर तय करना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच श्री हनुमान बेनीवाल।